चिड़ावा शहर में चोरी की वारदात के बाद व्यापार मंडल में आक्रोश। कबूतरखाना स्थित गोविंदम शोरूम के सामने व्यापार मंडल ने की बैठक। व्यापार मंडल ने 15 अगस्त तक का दिया समय, 15 अगस्त के बाद आंदोलन की रूपरेखा होगी तैयार। इधर चिड़ावा DYSP सुरेश शर्मा भी चोरी होने वाले शोरूम पहुंचे और तथ्य जुटाने में जुटे। DYSP सुरेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही चोरी का खुलासा करने की कोशिश। खाना बदोशों के डेरों पर भी पुलिस कर रही है जांच, नाकाबंदी व गश्त भी बढ़ाई गई है। जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स, मैं पंकज कैमरामैन दीपक के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर के अंदर इन दिनों चोरी की वारदातें जो है काफी बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है CCTV फुटेज खंगालने में जुटा हुआ है, इसके साथ ही मौके पर पहुंच जाता है तुरंत। लेकिन व्यापारिक जो मंडल है उनका कहना बार बार यही है कि हमें CCTV फुटेज नहीं, हमें चोरी का खुलासा चाहिए। हमें चोरी की जो रकम जो चोरी हुई है वो हमें बरामद चाहिए। जो हमारा सामान चोरी हुआ है, जो माल चोरी हुआ है, हमें वो बरामद चाहिए। बार बार व्यापार मंडल यही प्रशासन से अपील कर रहा है। हालांकि कल चिड़ावा CI ने जो निर्देश दिए थे, जो डेरों के ऊपर दबिश दी गई थी, उसके बाद में कार्रवाई की गई है। कुछ फुटेज भी जारी किए गए हैं DYSP सुरेश शर्मा द्वारा, कुछ फुटेज जो है वायरल किए गए हैं। अगर आप लोग पहचानते हैं तो ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये कि लगभग 1.25 महीने बाद फिर से बड़ी चोरी का होना कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को साबित करता है। पुलिस प्रशासन जो है बार बार एक बात ये भी कह रहा है कि चोरी की वारदात जो है मेन रास्ते से नहीं हुई, पीछे के रास्ते से हुई है। हालांकि पुलिस की जो है गश्त लगातार इस रोड के ऊपर पूरी रात लगी रहती है। जो वॉचमैन है वो भी इस रोड के ऊपर कबूतरखाना से लेकर गांधी चौक तक या फिर जो स्टेशन वाली रोड है वहाँ पर भी वॉचमैन लगाए जा चुके हैं, वो भी अपनी ड्यूटी बराबर निभाते हैं। लेकिन बार बार सवाल तो यही आ जाता है कि चोरी हो रही है पीछे से, ऊपर से। आखिर चोर आ कहाँ से रहे हैं या फिर जा कहाँ रहे हैं? बाइक चोरी हो रही है, छोटी चोरी की वारदातें वो भी बढ़ रही है चिड़ावा शहर के अंदर। और चिड़ावा शहरी क्या, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें हो चुकी है, खुलासा किसी का नहीं। पुलिस प्रशासन के हाथ जो है अभी भी खाली है। हालांकि आज और कल पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले वाली जो चोरी हुई थी उसका क्या? आखिर कब होंगे इन चोरियों की वारदातों के खुलासे? आगे देखिए कि आज व्यापारिक मंडल द्वारा जो मीटिंग की गई है, जो बैठक की गई है, उनमें क्या निर्णय लिया गया है और कौन कौन नेता पहुंचे, वो भी आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। आज कपड़ा व्यापार संघ की मीटिंग श्री विनोद चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें कपड़ा व्यापारी लगभग सब शामिल थे। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि हम लोग सब संगठन से मिलकर, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, सब संगठन से मिलकर प्रशासन को ज्ञापन देंगे। जो कल चोरी हुई है और आज से 40 दिन पहले चोरी हुई थी, दोनों चोरियों की एक ही पैटर्न है। सब चोर दोनों चोरियों की एक ही चोर हैं। 40 दिन पहले भी चोरी हुई थी, उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ आश्वासन दिया था कि जल्दी जल्दी चोरों को पकड़ेंगे। और 40 दिन के बाद उसी जगह उसी के बगल में उससे बड़ी चोरी होना, ये प्रशासन की विफलता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। तो व्यापारी अभी प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़े। कपड़ा व्यापार संघ सब व्यापारी संगठनों से मिलके प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ज्ञापन के अलावा भी हम लोग ये आपस में विचार कर रहे हैं कि 40 दिन के बावजूद पहली चोरियों का कोई पता नहीं लगना और उसी टाइप की दूसरी चोरी होना एक व्यापारियों में भी डर पैदा करता है, आमजन में भी डर पैदा करता है और ये प्रशासन की विफलता दर्शाता है। इसलिए व्यापारी मिलकर के आगे के आंदोलन के लिए विचार कर रहे हैं कि हम लोग प्रशासन से मिलके, क्योंकि 15 अगस्त हम लोग का राष्ट्रीय त्यौहार है और 12 से 15 अगस्त का हिंदुस्तान सरकार का, राज्य सरकार के बहुत से कार्यक्रम हैं। इस त्यौहार में हम भी शामिल होंगे, हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद भी इस त्यौहार में हम शामिल होंगे। और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि 16 अगस्त तक इस जो चोरियाँ हुई उसका खुलासा करें, चोरों को पकड़ें। उसके बाद सब संगठन मिलके जो भी निर्णय लेंगे वो आंदोलन करेंगे। उसमें निर्णय में कुछ भी हो सकता है, आंदोलन चक्का जाम होना, बंद करना, जुलूस निकालना, जो भी सब संगठन मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन व्यापारी बहुत आहत हैं, 40 दिन में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां होना, उसी पैटर्न में चोरियां होना, चोरों का कोई सुराग नहीं लगना, मतलब रत्ती भर भी प्रशासन को
एक भी चोर पकड़ना या उसके बारे में कोई भी व्यापारियों से बात करना कि अभी तक चोरी का कुछ सुराग लगा है या कुछ कोशिश कर रहे हैं, इसलिए व्यापारी इससे बहुत दुखी हैं और पीड़ित हैं। व्यापारी तो प्रशासन के अलावा और कोई जा नहीं सकता है, लेकिन इस बार व्यापारी ने मन बना लिया है कि पूरे चिड़ावा के सब व्यापार संगठन मिल करके यदि इस पर कार्रवाई नहीं प्रशासन करता है तो हम लोग बहुत तेज आंदोलन करेंगे। लगातार चिड़ावा शहर में बढ़ रही चोरियों को रोकने के लिए आज कल जिस तरह से कल चोरी हुई चिड़ावा में, 3 दुकानों के ताले टूटे और सागर संगम की दुकान से लगभग 2.25 लाख की नकदी और कपड़े चोरी हुए, उस पर आज कपड़ा यूनियन के लोगों ने मिलकर विनोद जी चौधरी की अध्यक्षता में बैठकर यहां सबने मीटिंग की है और मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 16 अगस्त तक का प्रशासन को टाइम दिया जाता है। 16 अगस्त तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद में शहर बंद किया जाए, आंदोलन किया जाए, चक्का जाम किया जाए, जो भी सभी व्यापारियों का जिसमें सारे व्यापार संगठन शामिल होंगे मजबूती से शामिल होंगे और 16 तारीख के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। हम तो सिर्फ पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जिस तरह से 20-30 दिन छोड़कर चिड़ावा को टारगेट किया जा रहा है, इन चोरियों पर अंकुश लगना चाहिए जिसकी वजह से आम नागरिक और यहाँ के व्यापारी सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से चिड़ावा में दिनों दिन चोरियों का अपराध बढ़ता जा रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, व्यापारियों में आक्रोश है। आज समस्त व्यापार मंडल ने बैठकर के निर्णय लिया है, एक ज्ञापन तैयार किया है और प्रशासन को अवगत करवाने जा रहे हैं और प्रशासन ने अपने सूझबूझ से प्रशासन को समय देने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि थोड़ा समय दिया जाए। प्रशासन भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत प्रभाव से कुछ कर दे, तो उसको समय चाहिए। इसलिए 15 अगस्त जो कि एक सबका लोकप्रिय और राष्ट्रीय पर्व है, उसके मद्देनज़र देखते हुए इनको समय दिया है। 15 तारीख तक यदि कोई समाधान होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि समाधान नहीं होता है तो पूरा व्यापार मंडल, समस्त व्यापार मंडल, सारे व्यापारी, साथ साथ सारे संगठन और हम खुद मिल करके एक आंदोलन के रूप में सरकार को चेताएंगे। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम सरकार की नींद हराम कर देंगे। जिस तरह से हमारे व्यापारियों की नींद हराम हो गई है, ठीक उसी प्रकार से 16 के बाद हम प्रशासन को भी नहीं सोने देंगे। धन्यवाद। मंडल के युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं सर क्या इस मुद्दे पर चल रहा है और क्या आगे कुछ होने वाला है। मुद्दे सर, पिछली बार भी जैसे आपको मालूम होगा कृष्णा थी, दी भव्य कलेक्शन थी, संगार, ये 6 दुकानों के एक साथ ताले टूटे थे, नकदी हुई थी यहाँ पे चोरी। तो पुलिस प्रशासन से हमने सब कपड़ा व्यापार मंडल वहाँ गए थे थाने के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा था, एक ही चीज़ कही थी कि हमें समय दो। तो समय उनका हमने 3 दिन का दिया था, फिर उसके बाद वो फिर आए थे, डिप्टी साहब भी आए थे, CI साहब भी आए थे, उनकी कार्रवाई देख के हमें संतुष्टि हुई कि हाँ ये कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इसलिए हमने भी उस चीज़ को पेंडिंग में छोड़ दिया कि ठीक है जो भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहा होगा। लेकिन अब वही घटना दोबारा रिपीट होती है उसी अंदाज में, वही फिल्म स्टाइल, वही चोर, वही स्टाइल, और फिर नुकसान होना व्यापारियों के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। तो व्यापारी सेफ कहाँ? फिर 40 दिन उस चोरी को गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये फिर ये दूसरी चोरी होगी, उसमें भी कोई पुलिस का ये रोल नहीं है। कल आए थे ठीक, अपनी फॉर्मेलिटी कर गए, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो व्यापारी वर्ग उसके लिए काफ़ी नाराज़ है। तो आज हमारी कपड़ा व्यापार मंडल की सभी सदस्यों की मीटिंग हुई है, मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि 15 अगस्त तक तो सभी व्यापारी, प्रशासन जो भी इनका काम है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, प्रशासन का भी काम है, 16 अगस्त को फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद एक फैसला लिया जाएगा, चाहे वो चक्का जाम का हो, चाहे वो कपड़ा व्यापार बंद का हो, सभी जो जितने व्यापार मंडल हैं सभी को साथ लेके एक बड़ी मीटिंग की जाएगी 16 तारीख को। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो 16 तारीख की उसकी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ व्यापारिक मंडल के अलग अलग व्यापार संघ के अध्यक्ष, और क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुनाई, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। हम ये चाहते हैं कि चोरी का जो खुलासा होना चाहिए, और काफ़ी समय से जो चोरियाँ है, छोटी चोरियाँ, फिर बड़ी चोरियाँ, फिर बाइक चोरियाँ, इन चीज़ों का जो आरोपियों का जो चोरों का जो हौसला है वो बुलंद होता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि कल दोबारा से 3 दुकानों के अंदर चोरियाँ की वारदात हुई है। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।